हेलो एवरीवन, अगर आपका भी सपना है कोरिया में पढ़ना तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कोरिया के लैंग्वेज प्लस कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोरियन गवर्नमेंट हर साल फॉरेन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ऑफर करती है, वो भी फुली फंडेड, मतलब रहना खाना ट्रेवल सब कोरियन गवर्नमेंट ही देखती है, स्टडीज रिलेटेड भी एक्सपेंस गवर्नमेंट ही देखती है। हम बात करें कि कितना रुपये देती है, तो ट्रेवल अलाउंस जो होता है वो फ्लाइट के आपको इकोनॉमिक सेक्शन का आपका सीट बुक हो जाएगा आपको जाने के लिए। और बात करें सेटलमेंट अलाउंस की, तो 13,000 रुपये मिलते हैं और मंथली अलाउंस मिलते हैं रहने के लिए 58,000 रुपये मिलते हैं। और कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट भी आपको प्रोवाइड होता है, उसका है 6.5K। डिग्री कंप्लीशन ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 6,500। मेडिकल इंश्योरेंस भी हमें मिलता है, वो आपकी NIED डिसाइड करती है। लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन के लिए जो फीस होती है वो 84,000 रुपये होती है, वो भी क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने पे आपको ये मनी मिलेगा। और बात करें ट्यूशन फीस की, तो अप टू 3 लाख रुपीज़ मिलते हैं ईच सेमेस्टर आपको पढ़ाई के लिए। अब क्या नाम है इसका? इसका नाम है GKS, मतलब ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो बैचलर डिग्री के लिए 12th बोर्ड में 80% होने चाहिए, या फिर ओवरऑल आपको 20% के अंदर आना है अपने बोर्ड में। और PG के लिए भी वही है, बस ये है कि CGPA जो है 2.64 में से आपको चाहिए, 3 में से 2.80 CGPA, 4.5 में से 2.91 CGPA और 3.23 CGPA चाहिए। और हेल्थ कंडीशन आपका गुड मेंटल स्टेट होना चाहिए और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ भी आपका अच्छा होना चाहिए। और एज की बात करें तो आपका 25 ईयर से आप कम हो या फिर उसके इक्वल हो। अब प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा बात करें तो इसमें ओवरसीज कोरियन को प्रेफरेंस दिया जाएगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया जाएगा। हाई स्कोर इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिन्होंने दिया होगा TOEFL या फिर IELTS, उनको प्रेफरेंस मिलने वाला है यहाँ पे। लास्ट है कि अगर कोई विनर होता है नेशनल लेवल कंपटीशन का, उन्हें भी प्रेफरेंस मिलने वाला है, तो आप उसको भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर टॉपिक Level 3 का एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर किया है तो आपको 10% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और इसलिए मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि अभी से कोरियन लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अप्लाई कैसे करेंगे, मेन बात यह है। अब इसके 2 तरीके हैं अप्लाई करने के, एक है एमबीसी ट्रैक, जो कि आपको एमबीसी में जाना होगा, वहाँ पे करना है आपको फॉर्म फिल करके वहाँ पे पोस्ट करना होगा। और एक होता है ऑनलाइन एमबीसी ट्रैकिंग, ऑनलाइन से फॉर्म लेना है अपने को फिल करना है, फिर उसके बाद एमबीसी में पोस्ट कर देनी है। और दूसरी क्या मैंने बात की, दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्ट कोरियन यूनिवर्सिटी को आप भेज सकते हो। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे होंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट देख लेना है। और